जयपुर सेंट्रल जेल में मौत के घाट उतारे गए पाकिस्तानी कैदी शकर उल्लाह के शव का आज एसएमएस मुर्दा घर में मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम किया गया। इस पूरे प्रकरण की न्यायिक जांच चल रही है, जिसके चलते महानगर मजिस्ट्रेट सीमा कुमारी ने पंचनामा भरा और उसके बाद फिर मेडिकल बोर्ड का गठन कर शव का पोस्टमार्टम कराया गया। इस दौरान पूरे पोस्टमार्टम प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी करवाई गई। वहीं इस पोस्टमार्टम के दौरान मुर्दा घर के बाहर सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस का भारी जाब्ता तैनात रहा। शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव को मुर्दा घर में ही डीप फ्रीजर में रखा गया है। वहीं सुरक्षा के लिए पुलिस गार्ड मुर्दा घर के बाहर तैनात किए गए हैं। पाक बंदी सकरुल्ला का आज मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवा दिया गया है और उसका शव अभी यहाँ पे डीप फ्रिज में रखवाया गया है और सुरक्षा की व्यवस्था भी कर रखी है। जयपुर सेंट्रल जेल में पाकिस्तानी कैदी की हत्या के बाद आज शकरुल्ला के शव का एसएमएस मुर्दाघर में पोस्टमार्टम किया गया। मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम जो है वो किया गया और साथ ही इस पूरे प्रकरण की न्यायिक जांच भी की जा रही है। वहीं जो महानगर मजिस्ट्रेट हैं सीमा कुमारी, उन्होंने ही पंचनामा भरा, जिसके बाद मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया और शव का पोस्टमार्टम किया गया। शव का पोस्टमार्टम करने के बाद जो पाकिस्तानी कैदी का शव है उसको मुर्दाघर में ही डीप फ्रीजर में रखा गया है और साथ ही सुरक्षा व्यवस्था भी यहां पे की गई है। आप देख सकते हैं जो पुलिसकर्मी है मेरे पीछे खड़े हुए, आप देख सकते हैं इन्हें यहां पे लगाया गया है और क्लॉक वाइज ये यहां पे ड्यूटी देंगे। जब तक जो पाकिस्तानी कैदी का शव है वो एसएमएस मुर्दाघर में रहेगा, तब तक पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो यहां पे इसी तरह से रहेगी। जयपुर से विनय पंत, ईटीवी भारत।